हाय फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ इंडिया बायनोकुलर शॉप से मेरे एसोसिएट अंकुश और आज हम स्काई वॉचर 102 mm ईडी एपोक्रोमेटिक रिफ्रैक्टर को अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे। काफ़ी बड़ी ट्यूब है ये, F8 इसकी फोकल लेंथ है, 918 mm, 102 mm शेयर पावर रिफ्रैक्टर और बहुत ही उम्दा एक एलुमिनियम केसिंग में आता है। ऊपर ये इसका कैटलॉग है, ये इसका एलुमिनियम बॉक्स, बढ़िया क्वालिटी का फोम फिटेड, एकदम हिलता नहीं है रिफ्रैक्टर अपनी जगह से। करीब 34 इंच लंबी ट्यूब है और 2-3 इंच लंबा उससे केस होगा, करीब 37-38 इंच एल्युमिनियम, बढ़िया केस है, साथ में कंपनी देती है। देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। बढ़िया सी एक ऑप्टिकल ट्यूब इसमें नज़र आ रही है, थैलियों में लिपटी हुई, ब्लैक कलर की ईडी, ब्लैक डायमंड सीरीज़ में एबो स्टार 100 mm, ज़बरदस्त रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप ऑप्टिकल ट्यूब। ये ऑप्टिकल ट्यूब ईडी डायमंड एवोस्टार के नाम से आती है, एपोक्रोमेटिक डबलेट एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ऑब्जेक्टिव ग्लास के साथ है। पूरी ट्यूब स्टील के अंदर घड़ी हुई है और जो इसका ये आगे शेड है वो एल्युमिनियम का है, लेकिन पूरी ट्यूब स्टील के अंदर है। ट्यूब के अंदर पूरा ब्लैकेंड है, पूरी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स हैं, पूरा ब्लैकेंड किया हुआ है ताकि अनफोकस इंटरनल लाइट रिफ्लेक्शंस जो हैं वो फोकल लेंथ को डिस्टर्ब ना करें। पूरा रोल स्टील है, पाउडर कोटेड रिफ्लेक्टिव ग्लॉस बैक ट्यूब है सारी। इसके ऊपर ये बटर पेपर अभी चढ़ा हुआ है, अगर आप देखें इस पर जूम करें तो प्रोप्राइटरी स्काई वॉचर लोगो इस पे लगा हुआ है। 34 इंच लंबी ट्यूब है, करीब 10 पाउंड्स का इसका वजन है। साथ में कंपनी जो एक्सेसरीज देती है वो ये 8x50 mm आप देख रहे हैं, राइट एंगल इसका राइट एंगल फाइंडर स्कोप कंपनी ने दिया है जो इरेक्ट इमेज देता है, हालांकि लेफ्ट टू राइट रिवर्स दिखाता है लेकिन इरेक्ट इमेज देता है और कोटेड है, क्रॉस हेयर के साथ है। साथ में कंपनी डाई इलेक्ट्रिक डायगनल देती है जिसका करीब 99.5% ट्रांसमिशन है और बहुत ही अच्छी कोटिंग है, बिल्कुल शार्प विजन है। इसमें 1.25 इंच का फोकसर है जो आप रिमूव कर सकते हैं, जो ट्यूब है वो 2 इंच का उसका फोकसर 2 इंच का उसका रैक एंड पिनियन फोकसर है, जो क्रेफोर्ड स्टाइल फोकसर है जो 2 इंच का डायगनल एक्सेप्ट करती है, लेकिन अगर आपके पास 1.25 इंच का डायगनल है तो आप ये अडैप्टर उस पर लगा सकते हैं और 1.25 इंच का डायगनल भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास 1.25 इंच के आईपीसीज हैं जो कि जैसे कंपनी साथ में दे रही है तो 2 इंच का डायगनल इसके फोकसर में पीछे लग जाएगा, यहाँ पे इधर यहाँ पे इसके पीछे ऐसे लग जाएगा। और बहुत ही फाइन स्मूथ फोकसर है जो आप देख रहे हैं, 2 स्टाइल क्रेफोर्ड स्टाइल फोकसर है, ये इसका फाइन फोकसर भी है, ब्लैक नॉब जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, ये नॉर्मल फोकसर है और ये फाइन फोकसर है, तो बहुत ही उम्दा फोकस, एकदम शार्प फोकस करती हैं इमेजेस। आप इसको टेरेस्ट्रियल व्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट स्काई में नेब्यूलास, स्टार क्लस्टर्स, गैलेक्सीज, मून के क्रेटर्स, सैटर्न के रिंग्स, बहुत ही ज़बरदस्त साइट टू बी बिहोल्ड, इतने बढ़िया साइट हैं, ज़बरदस्त। साथ में देखें कंपनी जो आईपीसीज दे रही है, स्काई वॉचर का प्रोप्राइटरी 5 mm अल्ट्रा वाइड 58 डिग्रीज का आईपीस देख रही है, इसका आप देखिए फील्ड ऑफ व्यू कितना बड़ा है, तो आई रिलीफ बहुत ही बड़ा है, इसमें बढ़िया है
दूसरा ये 20 mm का वाइड फील्ड मल्टी कोटेड लेंस दे रही है, प्लॉसल से एक नॉच ऊपर है ये, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये 1.25 इंच के आईपीसेस हैं, अगर आपके पास 2 इंच के आईपीसेस हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि डायगनल आपका एक्सेप्ट करता है 2 इंच के आईपीसेस। 1.25 इंच का अडेप्टर है, वो उतार के आप 2 इंच के आईपीस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आईपीस आपने यूज़ करने हैं तो वो डायरेक्ट इस पर लग जाएंगे, क्योंकि 1.25 इंच का अडेप्टर ऑलरेडी इस पर लगा हुआ है। एक बढ़िया सी केसिंग के साथ आता है, और इसकी जो माउंटिंग सिस्टम है, ट्यूब रिंग्स हैं आप देख रहे हैं, ये नीचे डॉफ्टेल प्लेट लगी है स्टैंडर्ड विक्सन स्टाइल। तो किसी भी इक्वेटोरियल माउंट में मिनिमम इक्वेटोरियल 5 माउंट आप ले सकते हैं, या सेलेस्टन का एडवांस वीएक्स माउंट इसका लोड ले लेगा, और एजेड माउंट भी आपको हमारे पास मिल जाएगा, इक्वेटोरियल 5 माउंट भी हमारे पास मिल जाएगा, मीड का माउंट है। ये ट्यूब इंडिया में इस वक्त बहुत गिने चुने एक या दो डीलर्स के पास शायद होगी, हमारे पास स्टॉक में है ये, आप इसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शार्प विजन देता है, कोई क्रोमेटिक एबरेशंस नहीं है, क्योंकि ईडी ग्लास इसमें यूज़ हुआ है, डबलेट में है। मैं आपको इसका फ्रंट का ग्लास सिखाता हूँ, उसकी कोटिंग्स आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी लंबी ट्यूब है ये। ये सारा स्टील का पार्ट है इसका पूरा, यहाँ से लेके ये एल्युमिनियम वो है बेंड, लेकिन ये सारा स्टील का है, काफ़ी हैवी है, करीब 10 पाउंड के आसपास इसका वजन है। इक्वेटोरियल माउंट में माउंट हो सकती है, आपका नॉर्मल एजेड माउंट भी अगर हो तो उस पर भी ये स्काई वॉचर एजेड 5 करके एजेड 4 करके एक आता है, उस पर भी आप इसको माउंट कर सकते हैं, उसका लोड ये ले सकता है। हमारे पास आपको इसके माउंट और ट्राइपॉड मिल जाएंगे, इक्वेटोरियल 5 मीड का LXT 70 आपको हमारे पास मिलता है करीब 48,000 का, जो इसका बड़े आराम से वेट लेगा, या आप एजेड माउंट लेना चाहें वो भी आपको हमारे पास मिलता है, उसकी मैं प्राइस चेक कर लूँगा, आप मुझे जब तक कॉल कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस वाइज ये अनबीटेबल टेलीस्कोप है इस वक्त, ईजीली 6 इंच के रिफ्लेक्टर्स को ये बीट करता है हैंड्स डाउन, हालांकि 4 इंच का रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर में जैसे आपको पता है कि प्राइमरी मिरर के आगे सेकेंडरी मिरर लगा होता है, तो वो थोड़ी सी लाइट ब्लॉक करता है, रिफ्लेक्टर में ऐसा कोई पंगा नहीं है, बिल्कुल क्लियर लाइट पीछे ट्रेवल करती है, और क्योंकि ईडी रिफ्रैक्टर है तो कोई क्रोमेटिक एबरेशंस नहीं है, कोई कलर फ्रिंजिंग नहीं है, कोई एक्सेसिव कलर्स नहीं है प्लैनेट्स पे या ब्राइट ऑब्जेक्ट्स पे, नेब्यूला, स्टार क्लस्टर्स, गैलेक्सी सभी इसके स्कोप में है। ये टेलीस्कोप आप हमसे ले सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं मोहित, मेरा फोन नंबर 9899212222, 9560687095। अगर आपके पास माउंट है वेल एंड गुड, सिर्फ OTA चाहिए तो ये सारे पैकेज के साथ आती है, अगर आपको इसका माउंट भी चाहिए चाहे AZ या EQ5 आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल माउंट चाहिए सेलेस्ट्रॉन का तो वो भी हम आपको इंपोर्ट करके दे सकते हैं, तो अगर आपको चाहिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उम्मीद है ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।